हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपको कांदा लहसुन मसाला बताऊंगी, जो कोलापुरी मसाला के नाम से जाना जाता है। ये बहुत तीखा और स्वादिष्ट होता है। आप इसे बना के काफी दिन तक फ्रिज में या डब्बे में भर कर रख सकते हैं। और सब्जी बनाते समय या कोई बिरयानी या कुछ भी जो बना रहे हैं, काफी स्पाइसी इसमें यूज किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरत है हमें 4 टेबल स्पून कोरिएंडर, जिसे मैंने ले रखा है। एक मैंने जावित्री लिया है, थोड़ी सी सिनेमन लिया है, 1.5 इंच तक मैंने अदरक लिए हैं, जीरा, मेथी, राई और लौंग वगैरह मैंने सब इसमें मिक्स कर लिया है। और मिर्च लेना है तो मैं मिर्च नहीं थी तो मैं उसका पाउडर ले रही हूँ। खड़ी मिर्च ले लीजिए 8-9, मैं इसमें मिर्च पाउडर का यूज़ कर दूंगी। और आप नमक भी डाल के इसमें रख सकते हैं, नमक भी साथ मिला के। चलिए अब हम तैयार करते हैं अपना पैन गरम। पहले हम इसमें अपने कोरिएंडर सीड्स यूज डालेंगे। जो सूखे मसाले हैं उसे हम पहले थोड़ा थोड़ा 1-1 मिनट रोस्ट करेंगे। और उसके बाद हम तेल डालकर, जो भी आप तेल खाते हैं, अपना रिफाइंड ऑयल हो, सरसों का तेल डाल के, उसमें हम बड़ी प्याज और लहसुन उसे भूनेंगे, और मिर्च को और अपनी जिंजर को। देखिए, मैं अभी सूखे मसाले आपको भून के दिखा दे रही हूँ। बाद में जब हम लहसुन और प्याज का यूज करेंगे तब भी हम आपको बताते रहेंगे कि अब मैंने क्या डाला। देखिए, हमारा मसाला तैयार हो रहा है। 1 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको निकाल दूंगी। हमारा पैन काफी भारी तले का है, इसलिए मैंने इसे प्री हीट कर रखा था पहले ही। ये देखिए हमारी जावित्री है, इसमें मैंने वो खसखस भी डाल रखा है और थोड़ा सा जीरा है 1.5 स्पून, थोड़ी सी सौंफ है, मेथी है। इन चीजों को हम डाल के अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा बस जरा सा इसका मॉइस्चर खत्म हो और इसके ऑयल अपना बाहर आ जाए, बस इतना ही। बहुत पूरी तरह नहीं भूनना है। अब ये भून चुकी, अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। ऑयल डालने के बाद आप चाहे बड़े टुकड़े में काटिए चाहे छोटे, मैंने तो थोड़े बड़े बड़े टुकड़े में अपने प्याज काट रखी है। बड़ी प्याज, 3 प्याज मैंने ली है और 10-12 कलियां लहसुन की लूंगी, उससे भी ज्यादा है 10-12 से, मतलब दो पूरे जो राउंड आते हैं दो मैंने पूरी तरह कर लिया है। इसमें मैंने 1.5 इंच अदरक भी ली है। अब इन चीजों को मैं भूनूंगी, बाद में मैं मिर्च का पाउडर यूज करूंगी, क्योंकि अभी मैं अगर खड़ी मिर्च तो ही नहीं स्मेल करेगी, पर जो भुनी हुई मिर्च रहेगी वो काफी प्रॉब्लम कर सकती है। मैंने लहसुन भी इसमें डाल दे रही हूँ। चार से 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा कांदा अच्छे से भून गया है धीमी धीमी आंच में। अब हम सारे मसालों को, पहले आपको बताया था कि सूखे मसाले ग्राइंड करेंगे, मैं इसे ग्राइंड कर दे रही हूँ। उसके बाद मैं आपका प्याज लूंगी ग्राइंड करने के लिए। प्याज कब तक पक रहा है? अब मैं इसमें प्याज भी ऐड करके इसको पीसूंगी। हम अपने जार में कांदा डाल दिए हैं, नमक डालेंगे जितना हमें थोड़ा डालेंगे, क्योंकि मसाला का हम क्या पर्पस में यूज करेंगे उसी के हिसाब से
जरूरत होगी तो और डालेंगे। थोड़ा मैंने आपको बताया था कि मेरे पास कुटी हुई चिली फ्लेक्स थी, तो मैंने उसे ऐड कर दिया है। अब मैं इसे ग्राइंड कर लूंगी। देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब इसे अगर हम चाहें तो फ्रिज में भर के रख सकते हैं, तुरंत बनाना चाहें तो बना लें, और अगर हमें ज़्यादा दिन इसे रखना है ओपन में, तब हम इसे थोड़ा सा फिर हल्की आंच में थोड़ा सा भून लें तो ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एकदम पानी जैसा पेस्ट है जो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। ये मैं ये भारी बर्तन का तला है तो इसी में निकाल के रख दे रही हूँ। ये थोड़े देर में इसका मॉइस्चर जो है प्याज का वो खींच लेगा, और नहीं खींच पाएगा तो मैं थोड़ा सा फिर हीट कर दूंगी। मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ, रीकैप दे रही हूँ। मैंने इसमें दो बड़ी प्याज ली थी, एक टेबल स्पून साल्ट लिया था, एक से डेढ़ इंच मैंने जिंजर लिए थे, कोरिएंडर 4 स्पून, खसखस मैंने 1 टीस्पून, जीरा 2, थोड़ा सा मैंने लौंग भी ले रखा था 1/4 हिस्सा, मैंने मेथी ली थी 2 जावित्री के टुकड़े, मिर्च समझिए 100 ग्राम करीब लिया था, आप कम तीखा खाते हो तो 50 ग्राम डाल दीजिए, और हींग लिया था 1 टीस्पून मैंने, और इन सब चीजों को मैंने एक साथ मिला के ग्राइंड किया था। और आप चाहें तो इसे बाद में भी हींग का रख सकते हैं, मसाले में ना पीसिए तो बाद में मिला के बर्तन में रख लीजिए। अगर आपको हमारे ये कोल्हापुरी मसाला या कांदा मसाला की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। थैंक यू।